तो काफी सारे रिश्तेदार लोग बहुत अच्छे से दिलासा देते हैं ना, क्योंकि मैं मेरे घर का बड़ा हूँ। मेरे जब डैडी का डेथ हुआ, मैं जो ऑफिस में था जॉब करके, मैं जब घर जा रहा था तो ट्रेन में मस्त बैठा था फर्स्ट क्लास में, मेरी बहन का फोन आया, किधर है? मैं बोला ट्रेन में बैठा हूँ। तो बोले जल्दी आ। मैं बोला कि क्या हुआ? तो उसने कुछ बोली नहीं। मैं बोला बोल क्या हुआ? बोले कि उसने जल्दी आ। मैं बोल क्या हुआ? तो उसने बोले डैडी का ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं बोला पागल है क्या? तो वापस से कंफर्म कर। तो उसने 5 मिनट का फिर से फोन किया, बोले कि सही में ऐसा हो गया, तू जल्दी आ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस दिन ट्रेन से घर कैसे पहुंचा मुझे याद नहीं, क्योंकि कहते ना कि जमीन खिसक जाना। मैं ट्रेन में बैठा था, पर मेरे को एहसास ही नहीं था कि मैं बैठा हुआ। वहां से हम लोग घर हॉस्पिटल गए, सोलापुर में डैडी का डेथ हुआ था। रिश्तेदार को बताया, हम लोग गाड़ी करके सब लोग वहां पे गए, और सेकेंड डे सुबह सब रिश्तेदार लोग भी आए, और आने के बाद काफी सारी अलग अलग रिश्तेदार लोग दिलासा तसल्ली, तू मत रो, तू घर का बड़ा है, तू अगर रोएगा तो कैसे होगा, तेरी माँ का क्या होगा, तेरे छोटे बहन भाई का क्या होगा, ये बहुत तसल्ली दिया वो लोग। तो वो टाइम पे ऐसा लगा यार, चल एक गया तो बाकी सारे लोग गए अपने को सपोर्ट करने। थोड़ा बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद ये रिश्तेदार लोग ना पता है कब मिलते हैं, या तो किसी और रिश्तेदार की मैयत में, या तो किसी और रिश्तेदार की शादी में। इसके बीच में ना ये कोई कुत्ता पूछने नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, ये आप जी भी रहे हो या मर रहे हो, ये कोई पूछने नहीं आता। और वो टाइम पे एहसास हुआ यार, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। वो टाइम के बाद मैं किसी भी रिश्तेदार के पास जाना बंद कर दिया। ये बिजनेस मेरे को मिला, इसमें सीरियसली काम करना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें एक चीज मिली थी, क्या? नॉमिनी फैसिलिटी। मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलता था, आज मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? पक्का आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर आपको कुछ हो गया तो आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? कुछ नहीं। ये कहना बहुत आसान है घर पे जाने के बाद, बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बच्ची मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मम्मी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, आप ऑफिस में गए, रात को आपका डेड बॉडी अगर घर पे पहुंचा तो उनकी हालत क्या होगी? कहने से प्यार नहीं होता, क्योंकि कहने से होता है। तो बचपन से माँ बाप लोग अपने लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, क्या पूरा हुआ? आज मेरी नॉमिनी मेरी मम्मी है। मेरे टीम में 4.5 से 5 हजार लोग हैं। अगर मुझे ऑन द स्पॉट कुछ भी हुआ, विद इन 7 डेज मेरा पूरा बिजनेस मेरी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर होगा, और मेरी मम्मी को ये कॉन्सेप्ट को करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डर हमेशा होता था यार, सैयद आज अपन जिंदा है तो अपने घर वाले को कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे को भी अगर पप्पा के जैसे कुछ हुआ तो मेरी छोटी बहन का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, ये डर हमेशा होता था। आप सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, जिस इंसान से आपका घर चल रहा है, अगर अचानक उस इंसान को कुछ हो गया तो आपका क्या हो सकता है? ये नॉमिनी फैसिलिटी था मेरा दूसरा रीजन। मैंने बोला ना, बच्चा पैदा करने वाले को बाप नहीं बोलते हैं। और ये सारी चीजें जो देती है उस कंपनी का नाम है